सब्सक्राइब कीजिए द ऑनेस्ट राइट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप तक मेरे वीडियोस पहुंचते रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघवन और आप देख रहे हैं दी ऑनेस्ट राइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ Xiaomi के Redmi Note 5 Pro की, जिसे मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ अपने प्राइमरी सिम के साथ में, और अब तक मैं इसके सारे अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में जान चुका हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं इस फ़ोन को लेने का और अगर आपके दिमाग में है कुछ भी कन्फ्यूजन इस फ़ोन से रिलेटेड, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो आपको बैक में इसके मेटेलिक की बॉडी मिलती है, और जो एंटीना के ऊपर की जो बॉडी है और नीचे की बॉडी है, ये हमको प्लास्टिक में मिलती है। आपको पीछे एक डुअल कैमरा सेटअप विद एलईडी के साथ में मिलता है। कैमरे का फुल स्पेसिफिकेशन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस फ़ोन का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका कैमरा, तो इसके लिए मैं आपको पूरा अच्छे से इसका बताऊंगा कैमरे की क्वालिटी। और यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जिसका सेंसिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको कहीं भी लैग कुछ भी नहीं लगता है। कभी वेट कंडीशन में आपकी फिंगर में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी सिनेरियोज में बहुत अच्छे से सेंस करती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बॉटम में मिलता है एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, जो कि बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। मैं अभी साउंड मैजिक ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ, जो बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। माइक्रोफोन आपको यहाँ पर मिलता है विथ एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, तो आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है ये आराम से इसमें रिमूव होता है जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं। ये माइक्रो USB 2.0 चार्जिंग पोर्ट एंड सिंगल सेटअप स्पीकर। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को सी टाइप चार्जर का ऑप्शन नहीं दिया है Xiaomi ने, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इसके जो बाकी के मॉडल देखेंगे अगर आप, जो कि MI A1 है, तो उसमें आपको सी टाइप चार्जर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें अभी हम लोग को नॉर्मल चार्जर का ही ऑप्शन है। तो आप ये चार्जर देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है इस चार्जर की। आपका एक डेढ़ घंटे में आपका ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो जाता है फ़ोन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को सिंगल सेटअप स्पीकर दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि साउंड क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है Xiaomi ने, काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है ये सिंगल सेटअप स्पीकर। दोस्तों, हमको इसमें इंफ्रारेड बर्स्ट का भी एक ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको अपने TV रिमोट कंट्रोलर की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में हमको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की स्क्रीन मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 18:9 के होने के कारण स्क्रीन काफ़ी वेल डिज़ाइन एंड प्रॉपर शेप की लगती है। इसमें हमको मेन्यू एंड बैक बटन फ़ोन में फिजिकली प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये आपको स्क्रीन में ही मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर आपको मिलता है एक फ्रंट फेसिंग कैमरा LED सेटअप के साथ, और एक नोटिफिकेशन लाइट जिससे आपको आने जाने वाले नोटिफिकेशन का पता चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये लाइट ज़्यादा कुछ काम की है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ वाइट लाइट में इल्यूमिनेट होती है, और आजकल हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐप नोटिफिकेशन ये सब आते रहते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है पता चलना कि कौन सा नोटिफिकेशन आया। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, ये फ़ोन होल्ड करने में काफ़ी अच्छी फीलिंग देता है। थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो 4000 mAh की है, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा वेट लगता है, लेकिन आप बहुत जल्दी यूज़ टू हो जाएंगे इसको एक दो दिन यूज़ करने के बाद में। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फ़ोन में हमको मिलता है स्नैपड्रैगन 3636 14 nm का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और आपको कहीं भी कुछ लैग नहीं नोटिस होगा। आप इसमें मुझे अभी तक कोई भी ऐसा लैगिंग या हैंग वाला प्रॉब्लम कुछ नहीं आया। इसका प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है, तो आपको ये सब हैंग प्रॉब्लम ये सब नहीं आएगा इसमें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसमें हमको मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी, जो कि आराम से आपको डेढ़ दिन का पावर बैकअप बहुत ही इजीली दे देती है। ये फ़ोन मैक्सिमम 2 hours के अंदर पूरा चार्ज हो जाता है। भले इसमें सी टाइप चार्जर Xiaomi ने मिस किया है, लेकिन आपको बैटरी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप कमाल का है।
आपको मोबाइल में गेम खेलने का शौक़ है तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे हाई डेफिनेशन वाले गेम्स खेल के देखे हैं, जैसे कि एसफेल्ट 8, फुटबॉल एंड क्रिकेट। सो मुझे कुछ भी इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ भी इशू नहीं आया और मैंने इसमें लगातार 2 घंटे तक गेम्स खेले हैं तो कुछ भी मैंने ऐसा हीटअप का इशू नहीं देखा कि मोबाइल हीटअप हो रहा हो, ऐसा मैंने कभी भी कुछ फेस नहीं करा। दोस्तों अब बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, जो कि है इसका कैमरा। कैमरा हमें यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग डुअल सेटअप कैमरा मिलता है, जो कि कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं। दोस्तों Xiaomi ने इस फ़ोन को नाम दिया था कैमरा 20 का जब इन्होंने लॉन्च किया था इस फ़ोन को, और मैं ये ऑनेस्टली बोलूँगा कि ये Xiaomi का अभी तक का सबसे अच्छा बेस्ट कैमरा क्वालिटी मुझे इस फ़ोन में देखने को मिला है। आपको कैमरे के साथ में कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि HDR एडजस्टमेंट, पैनोरामा, बस मोड, फेस रिकॉग्नाइजेशन। इसमें आपको एक पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे ये फोकस करता है नियर बाय ऑब्जेक्ट को और उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, पर ये मुझे इतना एक्यूरेट नहीं लगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के एजेस को इतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन Xiaomi इसको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इम्प्रूव कर सकता है। वीडियोज़ रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो हमको इसमें वीडियो मिल जाता है फुल HD एंड HD में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन, और अभी हमें इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड की है Xiaomi ने, तो इसकी रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको टाइम लैप्स और स्लो मोशन का भी एक ऑप्शन मिलता है, और मैं एक सैम्पल वीडियो इस फ़ोन से लिया गया इसमें डाल दूंगा तो आप इसकी क्वालिटी को खुद देख सकते हैं। ये फ़ोन 2 वेरिएंट में अवेलेबल है मार्केट में, 64GB विथ 4GB रैम के साथ में और 64GB विथ 6GB रैम के साथ में। मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये है 4GB रैम के साथ में, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको इतना कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, तो आप 4GB रैम को ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की, जो कि इसका कंक्लूजन, क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आपको इस प्राइस में इतने अच्छे प्रोसेसर के साथ में, इतने स्पेसिफिकेशन के साथ में एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिल रहा है, जो कि मार्केट में अवेलेबल बाकी सारे फ़ोन से काफ़ी बेहतर है, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को ले सकते हैं। मैं इसको पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि मैंने बताया आपको, तो मुझे परफॉर्मेंस रिलेटेड इस फ़ोन में कुछ भी इशू अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये फ़ोन मुझसे 1-2 बार पॉकेट से गिर चुका है लेकिन इसकी स्क्रीन में कुछ भी डैमेज नहीं आया, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी Xiaomi ने बहुत ही अच्छा फ़ोन डिज़ाइन किया है। दोस्तों आप बैक कवर इसका अच्छा ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बैक मेटल का है तो इसमें स्क्रैचेस लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो एक अच्छा बैक कवर आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस इस फ़ोन को यूज़ करने का। आई होप अब आपके थोड़े बहुत कन्फ्यूजन इस फ़ोन से रिलेटेड दूर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए इसको और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आप तक ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ वीडियोस लाता रहूं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।